सहनशीलता, स्वभाव में सहनशीलता के अभाव में से मनुष्य अक्सर अधीर हो उठता है। इस कारण उसका जीवन सदैव खतरे में रहता है, जबकि यह स्थापित सत्य है कि सहनशीलता का दिव्य गुण मानव जीवन की उन्नति और उत्थान में सर्वाधिक सहायक होता है। इसके अभाव में जीवन में गौरवशाली पद की कल्पना अधूरी ही रहती है। सहनशील लोग ही किसी दुख और विपत्ति के अधीर न होकर उन आघातों को सहते हुए जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं। वे अपने जीवन से जन जन को प्रेरणा और सीख भी प्रदान करते हैं, ताकि दूसरे लोग भी अपने भीतर इन गुण को धारण कर निज जीवन हंसते हंसते जी सके। एक वृक्ष सूर्य की तपन सहकर जन जन को छाया प्रदान करता है। प्राणी उसके नीचे बैठकर आश्रय पाते हैं, सुख और शांति प्राप्त करते हैं, व्यग्रता अशांति दुख और संताप से निजात पाते हैं। वृक्ष की यह तपस्या संततम की प्रेरणा से परिपूर्ण होती है, जो तपस्वी जीवन का प्रतीक है। संत तपस्वी जीवन जीकर अपने अंदर सहनशीलता के गुण को विकसित करके दुखी प्राणी की समस्याओं को दूर करने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। जैसे वृक्ष फलों से लदकर झुक जाते हैं, उसी तरह सहनशील व्यक्ति भी नम्र स्वभाव के होते हैं। इस प्रकार सहनशील बनकर ही हम अपने जीवन में शांति की स्थापना कर सकते हैं। समाज में फैल रही अशांति को और तनाव को सहनशीलता के गुणों से दूर करना निश्चित रूप से संभव है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ सहनशील बनकर ही संभव है, सहनशील बनकर ही संभव हो पाता है। सहनशीलता प्रसन्नता की फूल झड़ी है। सहनशीलता के गुणों से मानव जीवन अंतर्मुखी बनता है, जिससे जीव जगत के बीच के संबंध का ज्ञान होता है। पृथ्वी पर मनुष्य कितना कुकर्म और अत्याचार करता है, लेकिन धरती माता सब सह लेती है, हमें अन्न और जल सदा प्रदान करती है। आइए संकल्पित होकर धरती माता की स्वच्छता और शोभा बढ़ाने के लिए सहनशील बने, सहनशील बने, सहनशील बने। गाय गंगा गायत्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान 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 कर्तव्य है। प्रकृति जीव परमात्मा की सेवा ही लक्ष्य होना चाहिए। हम ब्रह्मऋषि महर्षि आचार्य योगी श्री बद्री विशाल महात्मा अवध के संत आपको विशेष ब्रह्म ज्ञान का प्रवचन सत्संग दिव्यवाणी दिव्य ईश्वरवाणी को प्रकाशित कर रहे हैं। आप इन दिव्यवाणियों को ध्यान से सुने और आगे और आगे आगे और आगे आगे और आगे आगे और आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। अभ्यास और अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास, निरंतर अभ्यास, यही दिव्य गुण है सहनशीलता। ही मनुष्य को विनम्र बनाती है, नम्रता प्रकट करती है, मनुष्य अंतर्मुखी बनता है और योग की ऊंचाइयों को समाधिस्थित होकर छू लेता है। परमपिता परमेश्वर प्रभु के अपने स्वरूप में ही दर्शन करता है। वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुधेव कुटुंबकम,
वसुदेव कुटुंबकम समस्त विश्व ही मेरा परिवार है। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन। हम ब्रह्मऋषि महर्षि आचार्य योगी श्री बद्री विशाल महात्मा सनातन धर्म प्रचार प्रसार, यही उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार, यही उद्देश्य है ताकि समस्त जीव में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, जन कल्याण हो, परोपकार और परमार्थ हो, विश्व में शांति हो, विश्व का भला हो, प्रत्येक जीव के लिए हमने संकल्प लिया है लोक हित कार्य करना, जिसमें विश्व का कल्याण हो। सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, सनातन वैदिक राष्ट्र यह स्वप्न है हमारा, सनातन वैदिक राष्ट्र, सनातन वैदिक विश्व राष्ट्र का निर्माण जब ही होगा जब सभी लोग साथ मिलकर कार्य करेंगे, जब ही विश्व में शांति होगी, प्रत्येक जीव के भीतर श्री राम प्रकट होंगे, प्रत्येक जीव के घर अयोध्या होगा। जय जय श्री राम सीता राम, जय जय श्री राम। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम भू, ओम वा, ओम स्व, ओम म, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, ओम सर्वज्ञ, ओम सर्वत्र, ओम।